मलूक की माँ हमारी बहुत अच्छी ख़िदमत गुजार थी वालदा बताती हैं जब मैं पैदा होने वाली थी तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी डॉक्टरों ने इन्हें मुकम्मल आराम तजवीज़ किया था उस बुरे वक्त में उसकी वालदा ने इनकी बहुत खिदमत की थी शायद ये इनकी खिदमत और मेहनत का सिला था जो वो मेरी वालदा की खास मुलाज़मों में शुमार करती थी उस मुलाजमा की भी एक बेटी थी जो अक्सर हमारे घर आती थी औलाद चाहे गरीब की हो या अमीर की दोनों को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है मलूक भी इनकी लाडली बेटी थी नाजुक सी गुड़िया जैसी वो बहुत चुलबुली सी थी अपने माँ बाप की आंख का तारा थी लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था एक हादसे में उसके वालदे वफात पा गए और इसके किसी भी रिश्तेदार ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल ना की वालदा बताती हैं एक दिन जब वो इनके घर गई थीं मलूक बेचारी मैली कुचैली हालत में बुखार में तप रही थी और उसके पास कोई नहीं था शायद माँ बाप का गम था और कई दिनों से उसने कुछ ना खाया था जब वो इस हालत में पड़ी थी मेरी वालदा को उस पर बहुत तरस आया वो नन्नी मुन्नी कली बिल्कुल मुरझा सी गई थी वालदा उसे अपने साथ ले आई मलूक मेरी वालदा के पास रहती थी वो हमारे एक मिजारी की बेटी थी इसके वालदे वफात पा गए तो अम्मा जान ने इसे मुस्तकिल अपने घर रख लिया इन दिनों इसकी उम्र तेरह बरस थी बहुत साबिर और फर्मा बरदार लड़की थी मैं पंद्रह बरस की थी लिहाजा वो मेरी खिदमत पर मामूर हो गई हम उम्री के सबब हमारी खूब बनती थी खादमा नहीं बल्कि एक तरह से वो मेरी हमजोली थी इसके होते तन महसूस ना करती हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रहा करती थीं मेरी माँ भी यतीम बच्चे का ख्याल रखतीं और इसे अच्छे अच्छे जोड़े बनाकर दिया करतीं ताकि इसे माँ बाप की कमी का एहसास ना हो सत्रह बरस की उम्र में मेरी शादी हो गई मैं अपने चाचा अबसार के साथ ब्याह कर लाहौर आ गई अबसार ने मुकाबले का इम्तिहान पास किया था वो लाहौर में अफसर तैनात हो गए मैं लाहौर आकर बहुत खुश थी हमारे गांव की नस्बत ये शहर पेरिस जैसा था खूबसूरत तारीखी अमारातें बेशुमार रंग पार्क और हरे भरे बागात रात को दरख्तों पर चिरागा का समा होता था जबकि अब तो धूल उड़ाती डंडियों पर कदम रखने को भी जी नहीं करता था शोहर के पास आकर इनका अनमोल प्यार और हर तरह का आराम में असर आ गया तहाँ मलूक की याद कभी कभी उदास कर देती थी यहाँ इस जैसी खादमा नहीं मिल सकती थी इस बार मैं के जाना हुआ तो इसे भी अफसरदा पाया अम्मा ने बताया सिदरा जब से तुम ब्याह कर गई हो इसने तो खाना पीना हंसना बोलना छोड़ दिया है अब इसका हमारे यहाँ दिल नहीं लगता तभी मैंने कहा अम्मा मुझे भी लाहौर में इस जैसी खिदमत नहीं मिलती इसको मेरे साथ भेज दें ये सुनकर मलूक खिल उठी वालदा ने इसको मेरे हमरा रवाना कर दिया लाहौर आकर वो बहुत खुश थी अगरचे मैं इसे पहली जैसी तो ना दे पाती थी तहम वो मेरी खिदमत में कोई कसर ना उठा रखती थी जैसे इसको मेरे पास आकर सुकून मिल गया हो मुझे भी मलूक के आ जाने से बहुत आराम मिला वो और मुलाजमों जैसी ना थी दिल से सारे काम करती थी मेरी मिजाज शनास थी अलमारी ठीक करके रखना कपड़े इस्तरी करके इसमें हैंग करना और कॉस्मेटिक अशिया को संभालना हद तक कि मेरे मिजाज की चाय बनाकर देना मेरे जाती काम इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था जब एहसास होता वो बोर हो रही है अपने हमरा घुमाने फिराने भी ले जाती इसने मुझे इतना सुख दिया हुआ था कि अभी तक इसको खात्मा नहीं अपनी छोटी बहन समझती थी मेरी कोई बहन ना थी और वो भी अपने मरहूम वालदेन की इकलौती औलाद थी ये कमी मेरी तवज्जा और मोहब्बत से पूरी हो जाती थी इसे मेरे पास आए चार साल बीत गए कभी कभार अम्मी के पास कुछ दिनों को गांव जाती फिर वापस आ जाती कई बार इसकी शादी का ख्याल आया मगर कोई मुनासिब रिश्ता इसके लिए इस वजह से शायद ढूंढ ना पाई कि इसमें मेरी खुद शामिल थी वो मेरे आराम का बहुत ज़्यादा ख्याल जो रखती थी इस जैसी कोई दूसरी बाँधी तो मुझको मिल ही ना सकती थी वक्त बीतता गया यहाँ तक कि मेरी शादी को आठ बरस का अरसा गुजर गया हम मियाँ बीवी को अल्लाह ने हर नेमत अता की मगर औलाद की नेमत से महरूम रखा मैंने बहुत काबिल डॉक्टरों से इलाज कराया यही साबित हुआ कि मैं औलाद पैदा करने के काबिल ना थी अबसार के वालिद ज़िम्मेदार थे और ये अपने वाले के इकलौते फरजंद थे इन्हें अब यही फ़िक्र खाई जाती थी कि इनका वारिस कौन होगा जब भी गांव जाते चाची इन पर दबाव डालती कि तुम दूसरी शादी कर लो और अबसार खामोश हो जाते इन्हें मेरा लिहाज था इसी वजह से दूसरी शादी की जरूरत ना कर पाते थे मुझे भी औलाद की शदीद आरजू थी मगर खुल कर इस बात का इजहार ना कर सकती थी जो ज्यों इनके अहदे में तरक्की होती गई अबसार की मसरूफियत भी बढ़ती गई और अब वो कई कई दिन बैरून मुल्क दौरे पर चले जाते तब मलूक ही मेरी तन्हाई की साथी होती इससे बातों में वक्त अच्छा गुजर जाता इन्हीं दिनों हमारा ड्राइवर और इसकी बीवी गांव चले गए ये हमारे ख़ानदानी मुलाजिम थे और वालदा ने गाँव से भिजवाए थे अब मेरे पास ड्राइवर ना रहा अब सार को तो दफ्तर से मुलाजिम मयसर थे मगर घर के लिए किसी काबिल एतबार ड्राइवर की ज़रूरत थी जिसकी तलाश का काम उन्होंने अपने ऑफिस के एक मुलाजिम के ज़िम्मे लगा दिया चंद रोज़ बाद वो अपना कज़न ले आया जिसका नाम गुल ख़ान था वो खूबसूरत मगर काबिल ड्राइवर था अबसार ने बातचीत के बाद इसे रख लिया और सर्वेंट क्वार्टर भी रहने के लिए दे दिया जब मैंने गुल खान को देखा कुदरत की फ्याजी पर दंग रह गई इसका हुसन मिसले यूसुफ़ था नीली आँखों और गुलाब जैसी रंगत वाला ये गुरबत का मारा पिशावर के एक गांव का रहने वाला था गुल खान ने अपने नेक रवैये की बदौलत जल्दी हमारे दिल में इज़्ज़त पाली मैं इस पर इतना भरोसा करने लगी कि मलूक को कई बार इसके हमरा वालदा के पास भिजवा दिया वो इसे गांव से वापस भी ले आता था मेरा ख्याल था कि अगर राज़ी कर सकी तो मलूक से इसकी शादी की कोशिश करूँगी ताकि शादी के बाद भी ये दोनों हमारे पास रहते रहें गुल खान को आए डेढ़ साल हो चुका था इसने एक रोज़ भी हमको शिकायत का मौका ना दिया बहुत शरीफ तबी था एक दिन मैंने महसूस किया कि इसको देख मलूक की निगाहों में चमक सी आ जाती है तहाँ वो एक बाह लड़की थी और मैं इसे तो ना कर सकती थी कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिस पर हम शर्मिंदा हों इन्हीं दिनों में बीमार पड़ गई और अस्पताल में दाखिल होना पड़ा मेरे लिए ऑपरेशन तजवीज़ हुआ पंद्रह दिन अस्पताल में रही इस दौरान मलूक गुल खान के हमरा मुझे सोप और खाना वगैरह पहुँचाने आती थी जब सेहत याब होकर घर आई इसने मेरी ऐसी खिदमत की कि सगी बहन होती तो ना कर पाती मैं इससे खुश थी लेकिन अब वो उदास उदास ही लगती थी गुमसुम और परेशान रहने लगी समझ ना पाई थी कि अचानक से क्या हो गया है जैसे किसी हादसे का शिकार हो गई हो दो तीन माह गुजर गए एक रोज़ मलूक मेरे लिए बाछी खाने में चाय बना रही थी कि अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई और वो चकरा कर गिर गई उस वक्त मेरी दूसरी मुलाजमा जो सफ़ाई करने आती थी वहाँ मौजूद थी वो दौड़ी हुई आई और बताया कि मलूक बाजी किचन में गिर बेहोश हो गई हैं मैंने कहा मारिया अब सार तो दौरे पर गए हैं तुम ऐसा करो जल्दी से चौकीदार और ड्राइवर को बुलाओ ताकि वो मलूक को उठाकर गाड़ी में डालें इसको अस्पताल ले जाना होगा ये पहली बार हुआ था मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे ताहम इसे इमरजेंसी ले जाना ही था इतफाक़ के वहाँ ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर मेरी वाकिफ थी इसने बताया कि ये माँ बनने वाली है इस इनकशाफ पर मैं दंग रह गई घर आई तो दिमाग चकरा रहा था इस रात से मेरे सिवा कोई वाकिफ़ ना था मेरा शक गुल ख़ान पर गया कि इसके सिवा कोई और मुलाजिम ऐसा ना था जिससे इसका वास्ता पड़ता था इस सिलसिले में तनहा कोई कदम उठाना मेरे बस की बात ना थी अबसार का इंतज़ार करने लगी मलूक ने तो लब सी लिए थे डांट डपट की तो बेहोश हो गई तभी मैंने हौसले से काम लिया गुल खान से पूछ गछ न की कि अबसार के आने तक इससे कोई बात करना मुनासिब ना था वो भाग जाता तो फिर इसका गिरफ़्त में आना मुश्किल था खुद को कसूरवार समझने लगी कि क्यों मलूक के बारे में ना सोचा खुद गर्ज़ क्यों बनी रही अपने आराम की खातिर इसको बंदी बनाए रखा जबकि घर बसाना और ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल करना इसका भी हक़ था वो एक लावारिस और यतीम लड़की थी खुद तो अपने मुस्तबिल की खुशियाँ हासिल ना कर सकती थी खुद गर्जी की और गलती को पीटने का मतलब लकीर को पीटना था अब तो कोई बेहतर हल निकालना था अब सार को आते ही परेशानी से आगा किया वो तालीम याफ्ता और समझदार थे पहले ठंडे दिल से बात सुनी फिर कहा कि यह सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है क्यों इतने बर्स इसको अपने पास रखा और इसकी शादी का ना सोचा इस बात पर ध्यान ना दिया कि इस लड़की की भी कुछ आर्जुएँ होंगी कहा था गाँव भिजवा दो तुमने ना भिजवाया और अब मुसीबत में डाल दिया है मुझे मुलाजमत की और जिम्मेदारियाँ थोड़ी हैं मुझ पर अब ऐसे उल्टे सीधे मामला निपटाता फिरूँ कि जिसमें हमारी अपनी रसपाई का भी खतरा है मैं दम सादे इनकी डपट सुनती रही खामोशी के सिवा चारा क्या था वो बोले अच्छा गुल खान से बात करता हूँ वो मान गया तो इससे निकाह करवा देता हूँ वो गुल खान के पास चले गए कुछ देर बाद आकर मुझे बताया कि बात कर ली है फ़िक्र ना करो कोई हल निकल आएगा अगले रोज़ वो मलूक और गुल ख़ान को लेकर इस्लामाबाद चले गए चार रोज़ बाद वापस आए और आगा किया कि दोनों का निकाह करा दिया है फ़िलहाल मेरे दोस्त ने गुल ख़ान को ड्राइवर रख लिया है और दोनों इसके सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं जब तक कि गुल ख़ान के वालदे मलूक को अपनी बहू कबूल करने पर राजी ना हो जाएं। अब सार की बातों पर एतबार ना करने की वजह ना थी ताहम मलूक के बारे में परेशान ज़रूर थी कि न जाने ये लोग इसके साथ क्या बर्ताव करें एक बार अबसार सरकारी काम से इस्लामाबाद गए वापस आया तो बताया कि गुल ख़ान के वालदेन ने मलूक को बहू मानने से इनकार कर दिया है क्योंकि इसका निकाह पहले ही इसकी चाचाजाद से हो चुका है और इसके होने वाले बच्चे को भी कबूल करने पर तैयार नहीं है मलूक बच्चे की मुनासिब देखभाल भी नहीं कर सकेगी वो किसी के क्वार्टर में बतौर मुलाजमा रह रही है जबकि गुल खान पेशावर चला गया है इधर मेरे वालदेन के सब्र का पैमाना लबरेज़ है वो मेरे पीछे पड़े हैं कि दूसरी शादी कर लो जो कि मैं तुम्हारी खातिर करना नहीं चाहता अब अगर तुम राज़ी हो जाओ और मलूक का बच्चा हम गोद ले लें तो वारिस का मसला हल हो जाएगा और मलूक भी अपनी ज़बान हमेशा के लिए बंद रखेगी कि ये हमारा बच्चा नहीं है मैंने यही मुनासिब जाना कि मलूक का होने वाला बच्चा गोद ले लूँ ताकि मेरे सर पर जो सौतन के आने की तलवार लटक रही है इसका खौफ बाकी ना रहे मैंने अपने शोहर की तजवीज़ को कबूल कर लिया और तीन हफ़्तों के बाद उन्होंने मलूक का नौजायदा बच्चा लेकर मेरे हवाले कर दिया बताया कि गुल खान वापस आया है और इसने मलूक की ज़िम्मेदारी बतौर शोहर कबूल कर ली है इसको भी बच्चा हमारे गोद लेने पर कोई एतराज़ नहीं है ये गरीब लोग हैं उन्होंने मेहनत करके पेट पालना होता है और अक्सर बच्चे इनके लिए बोझ ही होते हैं खैर मुझे क्या मलूक के दिल पर जो भी गुज़री हो मुझको तो बच्चा मिल गया था और अब मैं बांझ नहीं बल्कि माँ कहलाने लगी थी मैं तो गुल ख़ान को ही कसूरवार जानती थी ये भी ना सोचा कि इसने अपना बच्चा हमको दे देने पर क्यों इतराज़ ना किया ये तो बहुत बाद में समझ में आया कि हकीकत कुछ और थी मलूक मेरे साथ रहा करती थी कभी अकेली कहीं ना गई ये गुमान मुझे क्यों ना गुजरा कि गुल ख़ान बेचारा बेकसूर भी तो हो सकता है और घर का भेदी लंका ढा सकता है इसके बाद मलूक को भी अबसार हमसे मिलाने ना लाए इसका महका तो हम ही लोग थे वो गांव जाती तो किसके पास अम्मी जान वफात पा गईं वहाँ भी इसे याद करने वाला कोई ना रहा मैं जब घर जाती और कोई अगर पूछ लेता कि मलूक कहाँ है कैसी है तो मैं यही जवाब देती थी कि वो शादीशुदा हो गई है अपने घर में खुश है लाहौरी इसकी शादी करती है कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती है हालांकि पूरे दस बरस वो मुझे ना मिल सकी और ना मैं इसको देख पाई अबसार कहते थे मैंने खुद गुल खान को रोका है कि मलूक को हमारे घर ना लाए अपना बच्चा देखेगी तो खाम गम जाग पड़ेगा रंजीदा हो जाएगी या फिर ममता की मारी आए दिन शोहर को मजबूर करेगी हमारे घर आने के लिए ज़िद करेगी मैं समझती थी अबसार बिल्कुल ठीक सोचते हैं वो सही कहते हैं इसे एक बार सब्र आ गया होगा बार बार बच्चे से मिलने से सब्र का दामन हाथ से छूट जाएगा मैंने भी किसी को न बताया कि फिरोज़ हमारा बच्चा नहीं है सभी को यही कहा कि ये हमारा बेटा है हमारी दौलत जायदाद का वारिस और बुढ़ापे का सहारा फिरोज़ को भी ये लम ना हो सका कि वो हमारा लखते जिगर नहीं है मैंने बहुत नम से इसकी परवरिश की और जब वो चार बरस का था स्कूल जाने लगा दस बरस का हो गया तो हम इसे घुमाने फिराने मरी ले गए वहाँ से पिशावर गए थे कुछ सामान खरीदना था इतफाक़ से मेरी मुलाकात मलूक से हो गई वो बाज़ार में मुझे मिली एक शख्स साथ था मैंने खैरियत पूछी इसने बताया कि ठीक हूँ शौहर अच्छा इंसान है ज़िंदगी गुजर रही है इसके तीन बच्चे थे जिन्हें वो साथ नहीं लाई थी मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख कर दिया और कहा कि मुझसे रब्ता करना और जब भी अबसार दौरे पर होंगे तुमसे फ़ोन करके बातें करूँगी इसका शोर हमसे कुछ दूर खड़ा रहा फ़ोन पर वो कभी कभार बातें करती मगर अपने बेटे का ना पूछती मैंने भी ना बताया कि इसका दिल ना उदास हो जाए मुझे लगता था कि अपने जिगर का टुकड़ा हमको सौंप कर वो खुश और मुतमिन है इसे कोई फिक्र नहीं है कि इसका लखते जिगर एक अमीर घराने का चश्मो चिराग और महफूज हाथों में है दस बरस और गुजर गए फिरोज़ एक खूबसूरत नौजवान हो गया लेकिन इसके नकोश अपने बाप पर ना थे वो हू बहू माँ की तस्वीर था मलुख भी कम खूबसूरत ना थी वो नाजुक छुई मुई सी थी फिरोज़ भी नाजुक और दुबला पतला था एक रोज़ अबसार सरकारी दौरे पर गए तो दुरान सफ़र इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो जिंदा वापस ना लौट सके इनकी वफात का ग़म शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकती अगर फिरोज़ मेरे जीवन का सहारा मेरे पास ना होता जवान बेटे की मौजूदगी से शोहर का गम बर्दाश्त कर लिया कुछ अर्सा गुज़रा के एक रोज़ मलूक का फ़ोन आया न जाने कैसे इसे इलम हो गया था कि अबसार अब इस दुनिया में नहीं है इसने पूछा कि अबसार ब खैरियत हैं मैंने बताया कि इनका इंतकाल हो गया है वो अफसरदा लहजे में बोली अच्छा हुआ कि उन्होंने अपना बेटा ले लिया था आज इनका नाम तो है तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है मलूक वो कहने लगी ये इन्हीं का खून है इनका हकीकी वारिस जो तुम्हारे पास है गुल खान से इसका कोई वास्ता नहीं है और मेरी शादी भी गुल खान से नहीं हुई बल्कि किसी और शख्स से अबसार साहब के दोस्त ने करवा दी थी जो कि इनका ड्राइवर था यह इनकशाफ मेरे लिए एटम बम से कम ना था मगर शिकवा किससे करती कि शिकवा जिससे करना था वो तो इस दुनिया से चला गया था अपनी अमानत मुझे सौंप कर मेरे दोनों अपनों ने मुझे धोखा दिया कसूरवार किसे ठहराती मेरा शौहर जिसने मुझे मान इज़्ज़त और मकाम दिया यह मलूक को जिसे मैंने अपनी बहन बेटी दोस्त समझा और उसने भी मुझे सच्चाई से आगाह ना किया मेरी बीमारी के दिनों में मेरा शोहर ऐसा भी कर सकता था मैं सोच भी ना सकती थी और इतना अरसा मुझसे ये बात छुपाए रखी कि ये तो उनका अपना ही खून था आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा कसूरवार था या उन्होंने जो किया वो ठीक था अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा शुक्रिया